सोशल मीडिया पर उत्तराखंड का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ स्कूली छात्राएं अचानक जोर जोर से चिल्लाती, रोती और जमीन पर लोटती हुई नजर आ रही हैं। एक आदमी इन लड़कियों के सिर पर चावल के कुछ दाने घुमाते हुए भी दिख रहा है। इस वीडियो को कुछ लोग भूत प्रेत से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया का मामला बता रहे हैं। क्या है इस वीडियो की कहानी, ये हम तफसील से बताएं, उससे पहले आप खुद एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के राजकीय जूनियर हाई स्कूल रेखोली का है। कल हुई इस घटना का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन और एसडीएम हरगिरी के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम को स्कूल भेजा गया। इस टीम ने सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कुछ अभिभावकों ने यह भी बताया कि स्कूल की एक बच्ची ने कुछ समय पहले गांव के पास ही पेड़ से लटका हुआ एक शव देखा था। उनके अनुसार इस शव को देखने के बाद से ही वो लड़की बेहद डरी सहमी हुई थी और बहुत अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी थी। बताया जा रहा है कि उस बच्ची की वजह से ही बाकी छात्राएं भी ऐसा व्यवहार करने लगी थी। लेकिन कई लड़कियों का एक साथ ऐसा व्यवहार करना क्या एक सामान्य घटना है? यही सवाल जब हमने कुछ मनोचिकित्सकों से पूछा तो उन्होंने इसके पीछे के विज्ञान को विस्तार से हमें समझाया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीना कृष्णन ने हमें बताया कि ऐसा अमूमन मानसिक बीमारी के चलते होता है और यह कई तरीकों से सामने आता है। कभी दौरा पड़ने जैसी स्थिति हो सकती है, कभी हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं और कभी बीमार व्यक्ति को यह भी एहसास हो सकता है कि उसके अंदर किसी आत्मा का वास है। ऐसे मामलों में व्यक्ति का स्वभाव तक बदल जाता है, मसलन उसके चेहरे के हाव भाव तक बदल जाते हैं, उसकी आवाज तक बदल जाती है और वो कई सालों पुरानी बातें करने लगता है। डॉक्टर वीना कृष्णन ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। कल्चर सपोर्ट करता है इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले जड़ वही है, क्योंकि कल्चरल बिलीफ है ना ये। जी जी। तो बिलीफ का मतलब यकीन, तो वो दिमाग में बैठी हुई सबकॉन्शियस एक बात होती है कि ऐसा होता है, तो उनके ऊपर उस तरह का बिहेवियर आता है। अच्छा, अब ये है मानसिक बीमारी वैसे जो एंग्जाइटी बेस्ड होती है। जी जी। अगर हमारे हालात कुछ भी ऐसे है जिसको कि हम सामना नहीं कर सकते जी जी, है ना, तो उसके लिए अवॉइडेंस आता है। मतलब जैसे कहना चाहिए कि एग्जाम है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस से बचने के लिए एक अवॉइडेंस आता है। ठीक है, तो अब उस अवॉइडेंस को तो हमने कर लिया, उस सिम्टम्स को लाके हो जाता है। दूसरा एक और उसमें आता है पहलू, जो कि सेकेंडरी गेंस कहते हैं हम लोग, फायदा उठाना। अब क्या फायदा उठाना है कि मैं बीमार हूँ तो मुझे स्पेशल स्टेटस मिलेगा, मुझे ध्यान मिलेगा, मुझे केयरिंग मिलेगी और उस चीज के साथ अवॉइडेंस बनी रहेगी। अच्छा, है ना? अच्छा। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे बच्चा या कोई भी इंसान, औरत हो, मर्द हो, औरतों में लड़कियों में ज्यादा होता है। अच्छा, है ना, मर्दों अच्छा। में थोड़ा कम होता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी सिम्टम लेके आ सकता है, दौरा पड़ना से लेकर के हाथ पैर सुन होने से लेकर के किसी व्यक्तित्व का अंदर घुस जाने से लेकर के, है ना। ठीक है, कि ऐसा ऐसा लगेगा कि मतलब अभी कोई कोई आत्मा है मेरे अंदर, वो बोल रही है, फुंकार रही है ना, इस तरह की। ठीक है, और एकदम से तेजी आ जाती है स्वभाव में और आवाज बदल जाती है ना। अच्छा, या पुरानी अच्छा। बातें करने लगते हैं, लेकिन जो भी ये बातें होती है उसका कहीं ना कहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन होता है, ऐसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ये मेडिकल की भाषा में इसे कन्वर्जन रिएक्शन कहा जाता है, जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का ही एक प्रकार है। इसे ही कई बार मास हिस्टीरिया भी कहा जाता है। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के एचओडी डॉक्टर शोभित गर्ग ने इस बारे में जो बताया, सुनिए। इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं और कोई भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना मास हिस्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है। कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट मिलता है और वो साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट या परेशानी मिलती है, वो आपके बचपन से जुड़ी हो सकती है, आपके सर्कमस्टेंसेस जुड़ी हो सकती है ना। और उसमें क्या होता है कि फिर इस तरह के जब हमारे फिर मस्तिष्क में प्रेशर बनता है, अब वो प्रेशर जब बनता है तो हमारा मस्तिष्क उस प्रेशर को ले नहीं पाता, कॉन्शियस लेवल पे वो फिर ब्रेक होना शुरू हो जाता है और हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाती है। तो हम डिसोसिएशन कहते हैं अंग्रेजी में। ये रिपीटेड फिनोमिना होता है और ये बार बार आता है। उसको ऐसे अटेंशन दिया, ऐसे दवाइयों छिड़का रहे थे, पानी छिड़का रहे थे कि वो चले गए, तो इन सब चीजों से उसको बढ़ावा मिलता है। और ऐसी वीडियो शेयर करें तो फिर
ऐसे बच्चे जो जिनके अंदर साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट है, जो मानसिक रूप पे थोड़े कमजोर है, सेंसिटिव है, तो फिर वो भी इन सब प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और ये सब बढ़ने लगेगा। डॉक्टर मानते हैं कि इस तरह के मामलों में झाड़ फूंक करना, तांत्रिक ओझा को बुलाना या हवन करवाने से ऐसे मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे प्रभावित व्यक्ति को अपने भ्रम पहले से ज्यादा सच या सही लगने लगते हैं। डॉक्टर वीना कृष्णन इस बारे में बताती हैं। इसमें सबसे पहले चीज है कि इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हुआ यही होगा कि एक बच्चे को आया है, मास मेनिया बन जाता है, है ना, ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बच्चे में, क्योंकि बच्चे को स्ट्रेस हुआ। अच्छा, उस बच्चे को स्ट्रेस हुआ तो उसने वो सिम्टम्स इम्बाइब कर लिए। अच्छा, है ना, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, एकदम से कैच करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत सजेस्टिव होते हैं बच्चे, है ना, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बच्चों में, लड़कियों में एकदम से फैलता है ये पहले भी हो चुका है, है ना। तो ऐसा जहाँ भी, जिस भी कॉलेज में, हॉस्टल में होता है, वहाँ सबको धीरे धीरे करके, क्योंकि स्ट्रेस आया अचानक से वो होने से, और फिर पूजा पाठ करा दी गई तो वो एक बैठ गई धारणा। अच्छा, तो उन्हें डर लगता है, एंग्जाइटी सबकी बढ़ गई कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। वो एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, मैंने बताया ना, एंग्जाइटी बेस्ड डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी मीन्स फियर बढ़ जाना, बेचैनी, घबराहट, डर सबके अंदर बैठ गई, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, है ना। तो उसमें वो फिर पकड़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, अगर थोड़ा सा आप इस पे अवेयरनेस के लिए बता पाए, है ना, अपने रीडर्स को। तो जैसे आंखों ने सांप देखा है, आंखों ने सांप देख लिया तो बॉडी में क्या क्या होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स, किसी मैसेज चला गया ना खतरे का। अब वहां तो एक स्टिमुलस थी जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने अपना, नर्वस सिस्टम ने अपनी प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी तय, उसके हिसाब से उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, है ना। अब इस केस में क्या है कि स्टिमुलस नहीं है पर मैसेज चला गया खतरे का। अच्छा, तो बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए कोई नाटक नहीं कर रहा होता। उत्तराखंड में इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2000 में नई टिहरी के मोलधार इंटर कॉलेज में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था। साल 2012 में मसूरी के एक निजी स्कूल में हॉस्टल में चार लड़कियों ने ऐसा ही बर्ताव किया था। साल 2018 में विकास नगर के एक स्कूल में भी ऐसा ही मामला हुआ था। और साल 2019 में चमोली जिले के घाट ब्लॉक के एक स्कूल में भी बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया था। तब भी अचानक कुछ छात्राएं चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई थी। मास हिस्टीरिया के मामले दुनिया भर में सामने आते रहे हैं। जैसे साल 1962 में तंजानिया के एक स्कूल में बच्चे कई दिनों तक लगातार हंसते ही रहे थे और इसके चलते बीमार पड़ने लगे थे। तब अंततः उस स्कूल को ही कई दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। मास हिस्टीरिया का एक बड़ा मामला साल 1518 का भी है, जब फ्रांस में फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक महिला नाचते नाचते इतनी मगन हो गई थी कि अपने होश खो बैठी थी। काफी देर बाद भी जब वो रुकी नहीं तो उसके परिजन और आसपास के लोग उसे रोकने आए, लेकिन देखते ही देखते वे भी उसके साथ नाचने लगे। ये सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कई लोगों की नाचते नाचते मौत हो गई थी। इतिहास में इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। बहरहाल, ये तो एक्सट्रीम मामले हैं, लेकिन कन्वर्जन रिएक्शन या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की ऐसी घटनाएं काफी आम होती हैं, जैसी अभी बागेश्वर के स्कूल में हुई है। पहाड़ों में ऐसी घटनाओं के ज्यादा होने के पीछे यहाँ की संस्कृति को भी अहम माना जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि जब बच्चे छोटी उम्र से ही देवी देवताओं के अवतरण जैसी चीजें देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऐसे व्यवहार करते देखते हैं जैसे उनमें किसी देवता या आत्मा का वास हो, तो इसका असर उनके सबकॉन्शियस में रहता है, जो इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है। ऐसी घटना होने पर मनोचिकित्सक से संपर्क करना और प्रभावित व्यक्ति की काउंसलिंग करवाने को ही डॉक्टर सबसे सही उपाय बताते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें बारहमासा।